रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम फोनिक्स करेंगे। फोनिक्स में साइलेंट लेटर्स, जी एच एच एंड एल। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? अ साइलेंट लेटर इज अ लेटर दैट इन अ पर्टिकुलर वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू एनी साउंड इन द वर्ड्स प्रोनंसिएशन। यानी जब आप वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तो वो लिखने में तो लिखे जाते हैं, लेकिन बोलने में उनकी कोई साउंड नहीं होती, उनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। स्माइल एंड साइलेंस, खामोशी और मुस्कुराहट आर द टू पावरफुल टूल्स। स्माइल इज़ द वे टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। मुस्कुराहट से मसाइल हल हो जाते हैं। साइलेंस इज़ द वे टू अवॉइड मैनी प्रॉब्लम, और खामोशी मसाइल से बचा लेती है। तो हमें अपनी ज़बान को खामोश रखना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए। हम किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, नकल उतारना मजाक उड़ाना होता है। किसी की इंसल्ट तो नहीं कर रहे, किसी को बुरे नाम से तो नहीं पुकार रहे, किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचा, तजस्सुस तो नहीं कर रहे, किसी के ऐब तो नहीं बयान कर रहे, जिसको गीबत करना या बैक बाइटिंग करना कहते हैं। यह साई, अब देखें साई का मतलब मीनिंग होता है आह भरना, इसमें जी एच साइलेंट है। इसी तरह नाइट, नाइट आप देखें इसमें जी एच की साउंड नहीं आ रही, नाइट। फिर है फाइट, फाइट में भी जी एच लिखने में है लेकिन बोलने में नहीं है, अच्छे बच्चे फाइट नहीं करते। लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट, लाइट में भी जी एच साइलेंट है। फिर है हाई, आप देखें ये हाई अबव इन द स्काई, हाई, इसमें भी जी एच साइलेंट है। फिर है थ्रू, थ्रू किसी चीज़ में से गुजरने को थ्रू कहते हैं, इसमें भी जी एच साइलेंट है। फिर है आवर, घंटे को आवर कहते हैं, आवर, अब इसमें भी एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, झूठ ना बोलने वाले को, जो दिल से काम करे उसको ऑनेस्ट कहते हैं, इसमें भी एच साइलेंट है। फिर आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी एच साइलेंट है। देन ऑनर, किसी को गार्ड ऑफ ऑनर देता है, जबरदस्ता इज्जत देता है, ऑनर में भी एच साइलेंट है। देन टॉक, बात करना, अब हम इसमें एल प्रोनाउंस नहीं करते, टॉक। इसी तरह व्हेन यू वॉक, वॉक पैदल चलने को कहते हैं, इसमें भी एल साइलेंट है। फिर आपके क्लासरूम में है चाक, चाक में भी एल साइलेंट है। उसके बाद है हाफ, किसी चीज़ को हाफ करना, दायरे का हाफ हो सकता है, किसी भी चीज़ का, उसमें भी एल साइलेंट है। तो पैराडाइम कहते हैं नुक्ता नज़र को, जैसे ये ग्लास है, जो लोग हाफ एम्प्टी कहेंगे वो इसको भरने में लग जाएंगे, जो हाफ फुल कहेंगे वो इसको खर्च करने में, इस्तेमाल करने में लग जाएंगे। यानी पैराडाइम जो है कंट्रोलिंग परस्पेक्टिव विच अलाउज वन टू परसीव एंड अंडरस्टैंड रियलिटी, जिससे हम रियलिटी को देखते हैं। जैसे हमारे अपने सेल्फ इमेज है, हमारे पास मनी, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे होने चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट डिपेंड्स अपॉन पैराडाइम। सो हु एम आई, अगर मुझे पता हो मेरी पैराडाइम, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ, कौन हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, मैं एक इंसान हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, और मैं इस दुनिया में भेजा गया हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आया। Why I am I here? The purpose of my life. मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है? क्या पैसे जमा करना, खाना पीना, ऐश उड़ाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है? नहीं, मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की तलाश करना है। फिर मैंने कौन से रास्ते पे चलना है? दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, क्या मैंने सच का रास्ता अपनाया हुआ है? क्या मैं कोई देखे ना देखे मैं हमेशा सच बोलता हूँ? तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? कुरान को तर्जमे से पढ़ने से। लर्न कुरान टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट इन डेली लाइफ, इन सारे सवालों का जवाब हमें कुरान देता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी ज़बान जो आपको समझ आती है उसमें कुरान पढ़ना शुरू करें। फिर है व्हेन यू रिक्वेस्ट यू से वुड यू हेल्प मी टू रीड दिस, तो एल इसमें भी साइलेंट है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, ये क्लोज स्टोरी है। आप इसमें से सॉरी यू वर सिक फॉर द फुटबॉल गेम लास्ट, फुटबॉल गेम कब हो रही है? नाइट, लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आएगा सॉरी यू वर सिक फॉर द फुटबॉल गेम लास्ट नाइट, तुम बीमार थे कल रात फुटबॉल गेम के लिए। इट लास्टेड ओवर एन आवर, वो
एक घंटे तक खेली गई. इट लास्टेड ओवर एन आवर. आवर में एच इज साइलेंट. आई थॉट वी वुड लूज अंटिल द एंड. मैंने सोचा कि हम इसको हार जाएंगे हत्ता के गेम का आखिर आ गया. आई थॉट वी वुड लूज एट द एंड. देन आई शॉट द बॉल थ्रू द होल्स एंड वी वन. हाउ अबाउट ज्वाइनिंग द टीम. तो देन आई शॉट द बॉल थ्रू द होल्स एंड वी वन. लेट्स टॉक अबाउट इट व्हेन यू फील बेटर. आओ इसके बारे में बात करें जब तुम्हारी तबीयत अच्छी हो. लेट्स टॉक अबाउट इट व्हेन यू फील बेटर. प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी, आपको लेसन भी अच्छा लगा होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.